हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फिनटेक बूम पर। तो यार मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एयरटेल एक्सचेंज मैंने लगवा लिया और उसके सारे डाउट्स आपके क्लियर करे थे कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो, कैसे पता कर सकते हो आपकी सिटी में अवेलेबल है या नहीं, कैसे केवाईसी होगी, कब पैसे लेंगे, कितनी देर लगेगी, कितने दिन लगेंगे लगाने में, कैसे इंस्टॉलेशन होगी, कौन सा राउटर लेना चाहिए, क्या क्या उनसे पूछना चाहिए, कैसे आप लुटने से बच सकते हो। और ये भी बताया था कि कैसे आप 40 Mbps वाले प्लान से भी कम पैसे दे के आप 100 Mbps वाला प्लान ले सकते हो। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी और एयरटेल एक्सचेंज लगवाने की सोच रहे हो तो यार इतनी वीडियो थी, जाकर देख लेना, आई बटन में दूंगा। तो इसी में मैंने बताया था कि आज की इस वीडियो में मैं मतलब बताऊंगा आपको, स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा अपने 100 Mbps वाले प्लान का, दोनों बैंड पे टेस्ट करूंगा अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके, अपलोडिंग स्पीड भी टेस्ट करूंगा, डाउनलोडिंग स्पीड भी टेस्ट करूंगा 5 GHz पे भी और 2.4 GHz पे भी। और दोनों बैंड क्यों कह रहा हूं, मतलब अगर आपको नहीं पता डुअल बैंड क्या होता है तो आई बटन में एक वीडियो का लिंक दूंगा, बता रखा है मैंने, उसे एक्सप्लेन कर रखा है कि यार कि क्या होता है डुअल बैंड। तो आज की इस वीडियो में टेस्ट करने वाला हूं, स्पीड टेस्ट करने वाला हूं 100 Mbps पे, और एक वीडियो भी अपलोड करके देखूंगा कितना टाइम लगता है अपलोडिंग स्पीड, मतलब इसकी खास ये तो होती है जियो और एयरटेल की यार ये अपलोडिंग स्पीड भी अच्छी देते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं से भी मतलब कोई फाइबर नेट लेते हो ना तो आपको 100 Mbps की स्पीड तो देखने को मिल जाती है, पर वो डाउनलोडिंग स्पीड होती है। अगर आप कुछ अपलोड करना चाहते हो ना तो 20 से 25 MB की आती है आपके 100 Mbps वाले प्लान पे भी। तो एयरटेल और जियो जितनी डाउनलोडिंग स्पीड देते हैं उतनी अपलोडिंग स्पीड देते हैं, लेकिन क्या ये सच बात है या नहीं तो आज की स्पीड टेस्ट में पता चल जाएगा। तो अगर आप एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर लगवाने की सोच रहे हो, कोई भी प्लान लगवाने की सोच रहे हो, उनके स्पीड के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन उससे पहले दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएंगे। तो फिर किस बात की देरी यार, चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। ये मैंने ओकला स्पीड टेस्ट, आपको पता ही होगा स्पीड टेस्ट के लिए सबसे मशहूर वेबसाइट है ये, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। डुअल गीगाहर्ट्ज़ बैंड वाला है, मतलब ये जो एयरटेल 5G है 5 GHz पे, एयरटेल 4G 2.4 GHz पे और 100 Mbps वाला प्लान है। सब कुछ मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि यार 2 GHz वाला राउटर क्या होता है और क्यों आपको 2 GHz वाला ही लेना चाहिए, वो आपको स्पीड टेस्ट देख के पता चल जाएगा। और भाई ये भी बताया था कि 100 Mbps वाला प्लान मैंने कैसे लिया और 40 Mbps से भी कम के पैसे दिए हैं, तो उस वीडियो को देख लेना, अभी यहाँ नहीं बताऊंगा। तो स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात है एयरटेल और जियो की ये लगती है कि डाउनलोडिंग अपलोडिंग बिल्कुल सेम स्पीड रहती है और कॉन्स्टेंट स्पीड रहती है। जब से मैंने नेट लिया ना बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहती है, मतलब जो मेरा पहले लोकल आई एस पे था उसमें 100 Mbps वाले प्लान पे ना कभी कॉन्स्टेंट स्पीड नहीं रहती थी, कभी 40 MB, कभी 50, कभी 60, 100 तो बहुत कम जाती थी और अपलोडिंग तो 10-15 Mbps से ऊपर जाती नहीं थी। तो एयरटेल और जियो का सबसे बड़ा फायदा यही है यार, और एयरटेल का तो मतलब जियो से एक बड़ा और फायदा हो रहा है कि यार जितनी प्रॉमिस स्पीड है करता है ना उससे ऊपर ही देता है। जैसे कि ये 122 आ रही है ना कॉन्स्टेंट मेरी, मतलब इतनी रहती है 125, 115, थोड़ी बहुत ऊपर जाती है। और जियो में मैंने सुना है कि 100 Mbps वाले प्लान में थोड़ी प्रॉमिसिंग स्पीड से कम आती है, मतलब 95-99 इतनी आती है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो यार ये देख लो स्पीड कितनी अच्छी है। पिंग यार मैं थोड़ा दूर बैठा हूँ इसलिए ऐसे आ रही है, लेकिन स्पीड काफ़ी अच्छी है। ये अपलोडिंग भी बहुत ही कमाल की, मतलब मेरे को अपलोडिंग का ही ज़्यादा काम होता है इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और जियो से भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, बट हाँ प्राइस कोई कोई प्लान में जियो के अच्छे हैं, किसी किसी में इसके अच्छे हैं। अब मैं 2.4 GHz वाले से कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, एयरटेल 4G से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ और दोबारा स्पीड टेस्ट दिखा देता हूँ। तो देख लो यार 2.4 GHz वाले से कनेक्ट हो गया और मैं स्पीड टेस्ट दोबारा करूँगा एक बार, और अब तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों मैं कहता हूँ कि यार डुअल बैंड वाला लेना राउटर, क्योंकि डुअल बैंड 5 GHz ही यूज़ करोगे अगर तुम पे होगा तो। हाँ तुम्हारा फ़ोन कई बार हो सकता है सपोर्ट ना करे, बट अब सारे फ़ोन ही लगभग 5 GHz को सपोर्ट करते हैं। बहुत पुराना मॉडल होगा ना 2-3 साल पहले का तो आपके फ़ोन शायद 5 GHz को सपोर्ट ना करे, तो देखो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है यार स्पीड में। और वैसे सच बताऊं तो 2.4 GHz की इतनी कांस्टेंट नहीं रहती मेरी, 70 से 100 Mbps के बीच में वेरी करती रहती है यार बार बार, कि कभी 60 भी आएगी, 70, 80, पर लेकिन जो 5 GHz वाली की स्पीड रहती है वो हमेशा कांस्टेंट 122, 150 इतने के आसपास ही रहती है। तो यार 2.4 GHz पे भी काफ़ी अच्छी स्पीड है, लेकिन अगर तुम डुअल बैंड वाला ले रहे हो तो यार 5 GHz से ही कनेक्ट करके रखोगे। अब यार मतलब प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, स्पीड टेस्ट में तो काफ़ी अच्छी स्पीड दिखाई है प्लान के हिसाब से, और मैं दोबारा 5 GHz वाले से कनेक्ट करके एक वीडियो को अपलोड करके दिखाऊंगा कि यार कितनी जल्दी अपलोड हो जाती है, कितनी अच्छी अपलोडिंग स्पीड है इसकी। ठीक है तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो दिखा दूंगा, पहले ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, इसकी प्रॉपर्टी दिखा दूँगा 1.15 GB की है, और मैं स्क्रीन पे टाइम दिखा दूंगा कि कितनी देर ले रही है। तो यार यूट्यूब चैनल पे मैं अपने अपलोड करता हूँ 1.15 GB, मतलब 1150 MB। ओपन करते हैं इसे और टाइम करते हैं स्टार्ट। नीचे देखो कितनी जल्दी जल्दी अपलोड हो रही है। Thank you.
तो यार 1 मिनट 32 सेकंड, पूरे 1 मिनट 32 सेकंड में अपलोड हुई है। मैंने फास्ट फॉरवर्ड में दिखाई थी, अपलोडिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है प्लान के हिसाब से। अब हालांकि 2-3 डिवाइस और भी कनेक्ट हैं, और ये मत बोलना कि यार 100 Mbps 120 Mbps अपलोडिंग दिखा रही थी और इतनी देर ले गई 1 GB की, उसमें करने 1.5 मिनट में हो गई लगभग मतलब 1 मिनट 32 सेकंड। तो यार ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, बिट्स और बाइट्स का फर्क होता है। जो कंपनी क्लेम करती है वो बिट्स में करती है, और जो हमें स्पीड मिलती है वो बाइट्स में मिलती है। बिल्कुल सही बताती है कंपनी, और यार काफ़ी अच्छी स्पीड है प्लान के हिसाब से, तो मतलब बहुत ही अच्छा अपलोड हो गई है। और अगर आपको कोई भी मतलब अगर आप एयरटेल लगवाने वाले हो, मेरे को पता है यार लगवाने से पहले बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं, तो कैसा भी डाउट होना तो पूछ लेना, मैं कमेंट में बता दूंगा या अलग वीडियो बना दूंगा उसके लिए, अगर कोई ज़्यादा अच्छा मतलब बड़ा डाउट हुआ तो कैसा भी डाउट हो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तो यार देखा आपने कितनी अच्छी स्पीड है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर की। हालांकि आप 40 Mbps वाला प्लान भी लेते हो अपनी जरूरत के हिसाब से तो वो भी ले सकते हो, बट उसको लेने से पहले मैं बता चुका हूँ कि यार वो वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप 40 Mbps वाले प्लान से कम पैसे देके 100 Mbps वाला ले सकते हो, वो उस वीडियो में मैं बताऊंगा, यहाँ मैं नहीं बताने वाला। तो यार काफ़ी अच्छी स्पीड थी, चाहे अपलोडिंग की बात करूँ चाहे डाउनलोडिंग की, काफ़ी अच्छा मतलब मैंने स्ट्रीम भी करी थी ना तो बिल्कुल लैग नहीं हुई थी। मैंने अपने गेमिंग चैनल पर स्ट्रीम करी थी जो कि काफ़ी अच्छी गेम की, ब्रदर्स ए टेल ऑफ टू सन्स, नहीं देखी तो आई बटन में दे दूंगा अपने गेमिंग चैनल का लिंक, जाकर देख लेना कैसी स्ट्रीम हो रही थी। हालांकि क्वालिटी मैंने थोड़ी लो इसलिए रखी थी 480p पे, क्योंकि यार मेरा लैपटॉप नहीं झेल पा रहा था 720p को, इसलिए कहीं ये मत समझना कि नेट बेकार था, नेट काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो अगर आप एयरटेल एक्सट्रीम लगवाने की सोच रहे हो तो यार काफ़ी अच्छी डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड आने वाली है। तो यार खत्म करते हैं आज की वीडियो यहीं पर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत जाना, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपकी कोई वीडियो रिलेटेड करिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं मिलूंगा आप जल्दी अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए की वॉचिंग फन टेक बूम।